हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका IBA बेंगलोर का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो कहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, उसमें google.com ओपन करना, उसमें टाइप करना है IBA बेंगलोर 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसपे आपको IBA बेंगलोर से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ayeshpaper.net IBA बेंगलोर 2022, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका IBA बेंगलोर 2022 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज फॉर PGDM IBA 2022। नोटिफिकेशन हैज़ बीन अवेलेबल ऑफ द ऑफिशियली वेबसाइट। तो आपका ऑफिशियली वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना है, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्ट कोर्स, हाइज क्वालिफिकेशन, गेट फ्री कौनसी पे क्लिक करना है, इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू IBA बंगलौर से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो रिलीज हो चुकी है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ क्या है, ये इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, UPES लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, NDIT यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। आपने अभी कहीं भी एडमिशन लिया तो नहीं होगा, तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए टोटल 5 रीज़न मिलते हैं। आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलने वाला है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाली है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाली है एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। सपोज दैट आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, अपने आसपास के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे आपके आसपास के बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आएंगे, क्या अलग स्टेट के भी बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, नहीं। लेकिन ये इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो आपका क्या होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा, माइंड एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा। तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। आपको यहाँ पर एडमिशन लेने से क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके सिंपली आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है एंड एडमिशन ले लेने हैं। तो आपका ये जो IBA बेंगलोर 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है PGDM के लिए। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म 2022-24 आ चुका है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स देने हैं, एकेडमिक डिटेल्स देने हैं, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, प्रोग्राम, एंट्रेंस टेस्ट और सेंटर के बारे में बताना है, फिर आपको पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ अपना बताना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ रहे, कैंडिडेट जेंडर क्या है वो बताना है, मटेरियल स्टेटस क्या है वो बताना है, आपको सिंगल है या फिर मैरिड है। यहाँ पर आपको नेशनैलिटी बता देनी है अपनी, और यहाँ पे फिज़िकल आपका कुछ PWD है तो वो बताना है, आपको मदर का नाम बताना है, मदर का नाम जो भी है, फादर का नाम। अब आपको यहाँ पे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको एड्रेस अपना बता देना है, विलेज का नाम या फिर सिटी का नाम या फिर टाउन का नाम अपना बताना है, स्टेट कौन से स्टेट में आप रहते हैं वो, यहाँ पे पिन कोड वहाँ का, कंट्री का नाम, मोबाइल नंबर, एंड यहाँ पर आपके पास परमानेंट एड्रेस है तो वो भी यहाँ पे बता सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको बता देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर लेनी है, प्राइमरी ईमेल आईडी एंड अल्टरनेट ईमेल आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस है तो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपको इसके बारे में, आपने कहाँ से जाना था IBA बेंगलोर के बारे में, आपने कहाँ से जाना था, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी आपके इसके लिए, न्यूज़पेपर से मिली थी या फिर फ्रेंड से मिली थी, जहाँ से भी मिली थी आपको यहाँ पे बता देना है। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड एक फिल कर लेना है, अपने अपना चूज़ कर लेना है, फिर वेरीफाई पासवर्ड करके आपको यहाँ पे
ये जो इमेज में दिख रहा है कैप्चा कोड वो आपको यहाँ पे फिल करके डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एकेडमिक डिटेल्स देने हैं। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेंथ का सिस्टम, यहाँ पे आपका क्या था वो, बस आपको कैसे परसेंटेज में मिले थे आपके CGPA में वो आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले थे, कितने परसेंट मिले थे आपको वो यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, आपका टेंथ का बोर्ड का नाम क्या था वो, स्कूल का नाम क्या था वो, किस ईयर एंड मंथ में आपने पास किया था बोर्ड वो आपको यहाँ पे बता देना है। एंड उसके बाद आपने क्या किया है, टेंथ के बाद ट्वेल्थ किया है तो ट्वेल्थ का आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले थे, कैसे मिले थे परसेंटेज आपके CGPA में वो बता देना है। उसके बाद उस बोर्ड का नाम बताना है, स्कूल का नाम बताना है, आपने किस ईयर में कंप्लीट किया वो बताना है, डिसिप्लिन क्या थी आपकी, आर्ट्स थी या फिर बायो थी या फिर कॉमर्स थी, कंप्यूटर साइंस थी, मैथमेटिक्स थी, जो भी था आपको यहाँ पे बता देना है। फिर बैचलर डिग्री डिटेल्स देनी है, यहाँ पे कोर्स का नाम बताना है, किस BA क्या है, या फिर BA आर्किटेक्चर, BCOM, BEd जो भी आपने किया वो बताना है। स्पेशलाइजेशन आपका क्या था, ड्यूरेशन कोर्स आपका क्या था, 3 ईयर्स का था, 4 ईयर्स का था या फिर 5 ईयर्स का था वो बताना है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी बतानी है, यूनिवर्सिटी किस टाइप की थी वो बता देना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या कहना है, यूनिवर्सिटी का नाम, नेम ऑफ कॉलेज एंड यहाँ पे आपको मोड ऑफ डिलीवर क्या था वो बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने किस ईयर में पास किया है वो बताना है। उसके बाद आपको परसेंटेज या फिर CGPA में कितने मार्क्स मिले थे वो बता देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं है वो बताने के बाद, अगर है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डिजर्शन और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन इन मंथ कितना था वो, फॉर्म डेट आपको बताना है कब से कब तक, सैलरी कितनी मिलती है वो आपको यहाँ पे बता के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फैमिली बैकग्राउंड बताना है, फादर का नाम, मदर का नाम, फादर आपको पेशन, आपके फादर किस सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, डिफेंस में हैं, तो आपको यहाँ पे बता देना है। ईमेल आईडी उनका एंड उनका मोबाइल नंबर जो भी है वो बताना है। ऐसे ही मदर का फिल करके आपको यहाँ पे फैमिली इनकम बता देनी है, आपको फैमिली इनकम कितनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी बतानी है, एप्लीकेशन फ़ी किसके लिए कितना देना है आपको, 7 जनरल है तो आपके लिए कितना है, 750 रुपीज़ है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस है तो आपका 750 रुपीज़ है, और बोथ दोनों के लिए आपका 810 रुपीज़ आपका लगेगा यहाँ पे। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी बता के यहाँ पे बता देना है, दोनों अगर आप करना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं तो 750 रुपीज़, अगर दोनों करना चाहते हैं तो 810 रुपीज़ आपको करना है यहाँ पे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट आपका सेंटर आपको कहाँ पे करना है वो बताना है। यहाँ पे आप एंट्रेंस टेस्ट आपका ATM MA का देना चाहते दिए हैं तो आपको उसका टिक कर लेना है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको परसेंटाइल कितना मिला था वो आपको बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर बताना है, आपको सेंटर चूज़ कर लेना है कहाँ पे आपको सेंटर चाहिए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर लेना है, आई एग्री पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना है। तो आपको पेमेंट हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे जिससे आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।